हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रवीण यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सी एस सी एंड बी सी ए डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सी पी यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. द फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी एल्गोरिदम एंड द सेकेंड वन इज मल्टी लेवल फीडबैक एल्गोरिदम. इट द टॉपिक फ्रॉम द यूनिट नंबर टू ऑफ द सब्जेक्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. अभी तक हमने दो तीन एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस भी किया है, शायद हमने चार एल्गोरिदम्स कर ली हैं, तीन, जिसमें से कि हमने जो फर्स्ट की थी वो की थी एसजेएफ, जो कि प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन दोनों ही केस में की है. उसके बाद हमने कल जो किया था लास्ट क्लास में वो किया था एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर. उसके बाद हमने जो सेकेंड की थी वो की थी राउंड रोबिन, जो कि हमने क्वांटम जिसके अंदर के एक टाइम सेक्शन लिया हुआ था, फिक्स टाइम सेक्शन, जो कि क्वांटम टाइम लिया हुआ था वो. और आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. आज हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में. बेसिकली प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि हमारे पास जो गिवन है वो होती है हमें प्रायोरिटी. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी दी हुई है 10, 20, 30, 40. क्वेश्चन में मेंशन होगा आपके पास कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी या लोअर द नंबर और हायर द प्रायोरिटी. इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है. बट स्टार्टिंग में हम लोग जो प्रोसीड करेंगे वो आपका क्या होगा, अराइवल टाइम से ही, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे पास जब जीरो अराइवल टाइम है तो वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी आपकी, कोई भी प्रोसेस नहीं आई है. जीरो पर जस्ट एक प्रोसेस आई है तो हमें प्रायोरिटी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे हमारे पास जो रन होगा वो होगा P1, प्रोसेस P1 आपकी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर, और बर्स्ट टाइम है कितना, 5. बट जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रायोरिटी एल्गोरिदम, यहाँ पे हम लोग इसको एक ही यूनिट के लिए रन कराएंगे और हम यहाँ पे इसको जस्ट वन यूनिट के लिए यहाँ पे इसको रन करा देंगे. ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1. जैसे ही 1 होगा आपके पास यहाँ पे, अब आपके पास रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, P0, P1 और P2. तो हमारे पास जो P1 आई है आपके पास यहाँ पे, उसका एक बर्स टाइम हम लोग यूज कर चुके हैं तो बचेगा 5. और P2 के लिए हमारे पास जो बर्स टाइम है वो आपके पास 4, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे 4. अब P2 एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा आपका, P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एक ही यूनिट के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये यहाँ पर हो जाएगा 2. और जब 2 पे चेक करेंगे तो अब हमारे पास तीन जो एल्गोरिदम्स है वो हमारे पास आ चुकी हैं. और हमने P2 को इसलिए किया है क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, 20 है P2 की, तो हमने पहले P2 को एग्जीक्यूट किया है. अब हमारे पास क्या हुआ है कि प्रायोरिटी P2 की कितनी है यहाँ पर, बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो ये अपडेटेड होने के बाद आपका हो जाएगा 3. और आपके पास P3 जब आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर रेडी क्यू के अंदर, सो P3 की बर्स्ट टाइम है 2. अब हमारे पास रेडी क्यू में तीन प्रोसेस है, P1, P2, P3. जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो एग्जीक्यूट होगा, और हम देख रहे हैं P3 की प्रायोरिटी ज्यादा है जिसका बर्स्ट टाइम 2 है. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P3, और इसको हम फिर यहाँ पर हम हमारा जो एक यूनिट के लिए चलेगा तो ये आपका हो जाएगा 3. और जैसे ही हम 3 पे चेक करेंगे तो आपके पास कोई भी थर्ड प्रोसेस यहाँ पे, फोर्थ प्रोसेस आपकी कोई आई नहीं है, सो P3 अपडेटेड 2 हो जाएगा आपके पास 1. और जब हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो प्रायोरिटी P3 की ही ज्यादा है, तो दोबारा से P3 आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और टाइम जो होगा वो एक ही यूनिट के लिए होगा, और बाय डिफॉल्ट उसका यहाँ पे बचता भी एक ही यूनिट है क्योंकि तो एक यूनिट इसका ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ से रेडी क्यू से हमारा P3 कंप्लीट आउट हो जाएगा. अब हमारे पास रेडी क्यू के अंदर जो एक और प्रोसेस है वो है आपके पास P4, जिसका की बर्स्ट टाइम क्या है, 1. P4 है जिसका कि बर्स्ट टाइम 1 है. अब हम तीनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे, P1, 2 एंड P4 की, तो प्रायोरिटी P4 की ज्यादा है और बर्स्ट टाइम 1 है, तो वो एक यूनिट के लिए वो यहाँ पे P4 एग्जीक्यूट होगा आपका, और ये हो जाएगा कंप्लीट. यहाँ पे आपका P4 हो जाएगा कंप्लीट. अब आपके पास बचती है दो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर, P1 एंड P2. P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू P1. P2 मेरे पास कंप्लीट कितनी यूनिट बची है वो उसका कंप्लीटली
यहाँ पे रन हो जाएगी P2, बिकॉज जो प्रायोरिटी है वो 10 और 20 P2 की ही ज्यादा रहेगी। अगर मैं एक यूनिट रन करूंगा तो भी P2 की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, और मैं तीनों यूनिट को एक साथ एग्जीक्यूट कराऊंगा तो भी P2 की प्रायोरिटी मेरे पास ज्यादा रहेगी। सो हम यहाँ पे P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है मेरे पास, तो यहाँ पर हम लोग इसको 8 कर देते हैं और P2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास रेडी क्यू में बचता है P1, जो कि अपने कंप्लीट फुल यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, और इसका जो टाइम होगा आपके पास वो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका गैंट चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद जो आप यूज करोगे वो आपके पास कंप्लीशन टाइम है, जैसा कि P1 का कंप्लीशन टाइम 12 है, P2 का 8 है, P3 का 4 है और P4 का 5 है। इसी तरीके से फिर टर्न अराउंड टाइम आपका आ जाएगा CT-80 और फिर वेटिंग टाइम आ जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इस तरीके से आपके पास प्रायोरिटी एल्गोरिदम वर्क करती है, जहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो प्रायोरिटी का होता है। FCFS में हमने देखा कि जो सबसे पहले जो हमारे पास जो आएगी, जो भी हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस आएगी वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, SGF के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे जो क्राइटेरिया था वो हमारे पास बर्स्ट टाइम का था, हम बर्स्ट टाइम चेक करते थे। यहाँ पे हमारे पास है आपका प्रायोरिटी का। हाँ, ये हमारे पास प्रियम्प्ट वाली है प्रायोरिटी, जो शेड्यूलिंग का हमने एग्जांपल किया, ये प्रियम्प्शन वाला है। अगर नॉन प्रियम्प्शन का केस मेरे पास यहाँ पर होता तो हम लोग क्या करते हैं कि P1 को कंप्लीट 5 बर्स टाइम तक हम लोग उसको एग्जीक्यूट करा देते, और फिर हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे आई हुई है। P2 भी आ जाती, P3 भी आ जाती, P4 भी आ जाती। उसके बाद हम इन तीनों प्रोसेस का क्या चेक करते हैं, प्रायोरिटी चेक करते हैं, और फिर P4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है इन केस ऑफ नॉन प्रियम्प्शन। बट हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है वो लिया है प्रीएम्पशन का एग्जांपल, सो डेट हमारे पास बीच बीच में वो बार बार हमें स्विच करना पड़ रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे पास यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी लेवल क्यू। बेसिकली हमने जितनी भी एल्गोरिदम्स अभी तक यूज की हैं वो सारी सिंगल सिंगल लेवल की थी, सिंगल सिंगल एल्गोरिदम्स थी। हर एक किसी एल्गोरिदम का अपना अपना क्राइटेरिया था, बट मल्टी लेवल क्यू के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी एल्गोरिदम्स होंगे हम उन सारी एल्गोरिदम्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्यू की फॉर्मेट में हमारे पास प्रोसेसेस रहेंगी। सो इट मे हैपन दैट प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस वेयर ईच क्लास हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग नीड्स। मींस कि जो प्रोसेस है वो अलग अलग क्यू के अंदर डिवाइड होगी और हर एक क्यू का एक अलग एल्गोरिदम वहां पे वो यूज कर सकती है। उसके अंदर जो प्रोसेसेस होगी वो वही एल्गोरिदम यूज करेंगी जो यहाँ पे वो मेंशन्ड होगा। सो फॉर आ एग्जांपल, अ कॉमन डिवीजन इज अ फोरग्राउंड, जो कि जिसको कि हम इंटरेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, और बैकग्राउंड जिसको कि बैच प्रोसेस बोलते हैं। जो प्रोसेस हमारे पास पीछे चलेंगे उनको हम बैच प्रोसेस, जो प्रोसेस हमारे सामने चलेंगे वो हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोसेस। दीज टू क्लासेस हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड्स। इन दोनों जो प्रोसेस हमारे पास दोनों की अलग अलग रिक्वायर अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है। सो वहाँ पे अलग अलग टाइप से हमारे पास प्रोसेसेस अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके पास एक सिस्टम प्रोसेस है, दूसरा इंटरेक्टिव प्रोसेस है, तीसरा बैच प्रोसेस है। हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी से हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ हम गए। फर्स्ट हमारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है। अब जितनी भी सिस्टम प्रोसेसेस हैं आपकी वो सारे के सारे Q1 के अंदर है, जितनी भी इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं वो सारी के सारी Q2 के अंदर है, जितनी भी बैच प्रोसेसेस हैं वो सारी के सारी यहाँ पे आपके पास Q3 के अंदर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सपोज फॉर एन एग्जांपल कि सिस्टम प्रोसेस में आपके पास कोई आपके इंटरप्ट जनरेट हो जाता है आपके सिस्टम में, सो वो एक सिस्टम प्रोसेस है। अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ तो वो सिस्टम प्रोसेस है जो कि हाई प्रायोरिटी पे रहेगा, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा। इंटरेक्टिव प्रोसेस में हम लोग बात कर सकते हैं जो कि आपके फ्रंट एंड पे चलती होगी एप्लीकेशन, लाइक कोई मूवी देख रहे हो आप, कोई ऑडियो या वीडियो सॉन्ग सुन रहे हो आप, या फिर कोई एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हो, आइदर इट्स अ वर्ड और भी कोई भी एप्लीकेशन जो आप फ्रंट एंड पे यूज कर रहे हो, फेसबुक है या कुछ भी आप लोग यूज कर रहे हो। बैच प्रोसेस क्या होगा आपके पास कि वो प्रोसेस जो आपके बैकग्राउंड में चल रही है, आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि आपने कोई कंटेंट या कोई मूवी को कॉपी लगाया हुआ है और आप अब उसको कॉपी लगा दिया आपने, वो आपके बैकग्राउंड में चली हुई है और आप अब कोई फेसबुक पे वर्क कर रहे हो या अपना वर्ड पे वर्क कर रहे हो या एक्सेल पे वर्क कर रहे हो या जो भी आप PDF वगैरह रीड कर रहे हो वो आपकी
इंटरेक्टिव प्रोसेस है। और सिस्टम प्रोसेस जैसा कि हमने बताया कि इंटरप्ट, जो इंटरप्ट टाइप की जो प्रोसेसेस होंगी वो हमारे पास सिस्टम प्रोसेस के अंदर आती है। सो जो हमने बात की कि जो सिस्टम प्रोसेसेस होती है वो एक क्यू के अंदर होंगी। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस में आपके पास जोन सी भी आप प्रोसेसेस आपकी चल रही हैं वो आपके पास क्यू टू के अंदर होंगी, और बैच प्रोसेस के अंदर आपके पास जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस है वो सारे के सारे क्यू थ्री के अंदर होंगी। सो तीनों क्यू कोई ना कोई अलग अलग यहाँ पे एल्गोरिदम को यूज कर रही होंगी। हो सकता है वो FCFS के थ्रू करें, बट अगर FCFS अगर Q1 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस है वो FCFS को फॉलो करेंगी। इंटरेक्टिव प्रोसेसेस अगर RR को फॉलो कर रहे हैं तो वो RR को ही फॉलो करेंगी, और बैच प्रोसेस अगर वहाँ पे SJF को फॉलो कर रहे हैं तो वो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट को ही फॉलो करेंगी। यहाँ पे इसके पास एक Each queue has its own scheduling algorithm. For example, Q1 and Q2 uses round robin. अगर example के case में अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि Q1 और Q2 में अगर round robin use हो रही है तो Q3 में हो सकता है कि FCFS use हो। अब यहाँ पे problem क्या create होती है कि जो हमने बात की थी FCFS के case में, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास, स्टारवेशन की या कोनवो इफेक्ट की। स्टारवेशन में क्या होगा, बेसिकली सपोज की आपकी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है सिस्टम प्रोसेस, सो इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होंगी उसकी हाई प्रायोरिटी है तो वो ही प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी और हमारे पास लो प्रायोरिटी का नंबर बहुत कम आएगा। सो इस टाइप की प्रॉब्लम को या इस स्टारवेशन को रिजोल्व करने के लिए हम लोग कौन सी एल्गोरिदम यूज करते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक, मल्टी लेवल क्यू फीडबैक। ये एल्गोरिदम है जो कि हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव द स्टारवेशन फ्रॉम द एल्गोरिदम मल्टी लेवल क्यू प्रोसेसिंग एल्गोरिदम। सो यहाँ पे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग कीप एनालाइजिंग द बिहेवियर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू बी इट चेंजेस इट्स प्रायोरिटी। वो अपनी प्रायोरिटी को उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकती है। यहाँ पे किस तरीके से करेगी वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और फिर देखते हैं। ये आपके पास एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके पास ये हमने एक लोएस्ट प्रायोरिटी की आपके पास है जो कि बैच प्रोसेस है, हाईएस्ट प्रायोरिटी की यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस है, और बीच में आपके पास इंटरेक्टिव प्रोसेसेस है सारी की सारी है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्यू बनी हुई है लोएस्ट प्रायोरिटी के लिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए, बीच में इंटरेक्टिव प्रोसेसेस के लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एन एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे इस जो यहाँ पे जो प्रोसेस जनरेट होके आई है यहाँ पे एक इसको फीडबैक दिया हुआ है Q2 को, फिर Q2 का फीडबैक Q3 में, और Q3 का फीडबैक Q4 में। इसका बेनिफिट क्या, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे Q1 एग्जीक्यूट होंगी, ये CPU से लिंक अप है। इसके बाद ना आपकी सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस किसी CPU से इंटैक्ट है, और CPU उस प्रोसेस को फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा जो एल्गोरिदम वहां पर यूज होंगी। अब वही चीजें यहाँ पे डायरेक्ट CPU से, जो मेरा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एल्गोरिदम है वो CPU से तो डायरेक्टली कनेक्ट है, बट यहाँ पे जो फीडबैक जनरेट हो गया आएगा वो सेकेंड प्रोसेस पे भी है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर है कोई और फीडबैक हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक प्रोसेस है P1 जो कि हमने यहाँ पे बॉक्स के अंदर मेंशन भी किया हुआ है P1, और उसका हर एक किसी का हमने टाइम क्वांटम यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम क्वांटम बोल देते हैं या हम बोल देते हैं कि एक हमने फिक्स टाइम दिया हुआ है कि एक एल्गोरिदम, या जैसा कि हमने अभी तक यूज भी किया है कि 1-1 यूनिट हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो आप 1-1 यूनिट भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है कि TQ2 है, TQ4 है, TQ8 है और FCFS है। तो FCFS में तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही होगा। बाकी फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि क्वांटम दिए हुए अलग अलग, और हम मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम यूज की हुई है, RR एल्गोरिदम यूज की हुई है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब P1 मेरे पास एग्जीक्यूट हो रहा है टाइम क्वांटम 2 के लिए, अगर टाइम क्वांटम 2 और प्रोसेस जो मेरे पास P1 है वो उसका भी बस टाइम 2 ही है, तो मेरे पास वो कंप्लीट हो जाएगी और आउट हो जाएगी, प्रोसेसर के पास जाएगी, कंप्लीट होगी मेरे पास प्रोसेस और वो वहां से एग्जिट हो जाएगी रेडी क्यू से, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी वो एग्जीक्यूट होगी। बट अगर मेरे पास P1 की वैल्यू यहाँ पे नियरली मान के चलते हैं कि हमारे पास 12 है मेरे पास P1 की वैल्यू, तो फर्स्ट टाइम पे जो P1 है वो मेरे पास फर्स्ट प्रोसेस जो P1 की है वो एग्जीक्यूट हुई इज इक्वल्स टू, हमने 12 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 12 एज एन एग्जाम्पल लिया। सो फर्स्ट में जब मेरे पास बैच प्रोसेस है कोई भी और उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस P1 है, सो फर्स्ट टाइम जब वो एग्जीक्यूट हुई तो वो उसकी 2 यूनिट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और बचेंगी कितनी, 10। जब 10 यूनिट बचेंगी तो इस टाइम पे मेरे पास P1 क्या करेगी, वो मेरे पास जो रेडी क्यू सेकंड है वहां पे आ जाएगी मेरे पास Q2 के अंदर, और यहाँ पे वो कितने टाइम के लिए रन करेगी, 4 क्वांटम के लिए। तो जब 4 क्वांटम के लिए रन करेगी तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 6।
अब ऐसे ही फिर यहाँ पे जब वो थर्ड क्वांटम के लिए जाएगी या थर्ड क्यू के अंदर जाएगी मेरी प्रोसेस, तो यहाँ पे वो कंप्लीटली रन हो जाएगी आपकी, P1 इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी, P1 इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम क्वांटम है वो 8 है और हमें कितना चाहिए था जस्ट 6, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर ये प्रोसेस और ज्यादा बड़ी होती तो फिर हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्यू है आपके पास जो कि Q4 है वहां पे जाती, और वहां पे जब सिस्टम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाती उसके बाद इस प्रोसेस का नंबर आ जाता। कहने का ये था, कहने का मेन मेनली ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई लो प्रायोरिटी की अगर कोई प्रोसेस भी है तो हम उस प्रोसेस को किसी दूसरी क्यू में, आइदर वो हमारे पास सिस्टम प्रोसेसिंग वाली हो या फिर वो इंडक्टिव प्रोसेस वाली क्यू हो, हम उसके अंदर उस प्रोसेस को डाल सकते हैं, सो डेट जब उसकी टर्न आए तो वो अपना पर्टिकुलर उस रेडी क्यू में हम लोग डाल सकते हैं, और वो जब यहाँ पे इस रेडी क्यू में आएगी तो जितना टाइम ड्यूरेशन सभी प्रोसेस का होगा उसको भी उतना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, और वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो आउट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट वो नहीं होती है तो वो नेक्स्ट क्यू के अंदर चली जाएगी जो कि एक और रेडी क्यू वहाँ पे ऑलरेडी रेडी है, वहां पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है 8 क्वांटम के लिए, वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, वो अपना वर्क कंप्लीट करेगी और वहां से आउट हो जाएगी। सो इन बिटवीन क्या होगा कि P1 जो फर्स्ट पे होगा यहाँ पर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी, तो जब P1 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पे जो बाकी की प्रोसेसेस है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। बट जब हम बात कर रहे थे मल्टी लेवल में तो वहां पे क्या था कि यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो यहाँ पे P1 बार हायर प्रायोरिटी की अगर बात करें, लोअर प्रायोरिटी की बात करते हैं तो कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी को तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट तब भी नहीं होती, लोअर प्रायोरिटी को तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होगी बट हायर प्रायोरिटी को प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट नहीं होती है। सो अगर हम बात करते कि यहाँ पे हमने हायर प्रायोरिटी को लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि वो तो एट लास्ट तब भी एग्जीक्यूट होगी, तब भी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि प्रायोरिटी उसकी ऑलरेडी हाई है, बट अगर लोअर प्रायोरिटी की कोई क्वेरी यहाँ पर कोई प्रोसेस मेरे पास इसके अंदर है सो वो एग्जीक्यूट होती रहे हमारी, बट मल्टी लेवल के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि ये आपस में इंटरलिंक नहीं थे। सपोज कि यहाँ पे आपके पास कोई प्रोसेस है P1 ने अगर यहाँ पर ना हो के, हमने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट अगर हम करते हैं इस प्रोसेस को एक एग्जांपल के लिए, सो P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है और यहाँ पे बाकी जितनी भी प्रोसेस होंगी उनकी सबकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वही प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होती रहेंगी और यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस होंगी उनका नंबर ही नहीं आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। सो इसलिए हमने मल्टी लेवल फीडबैक क्यू को यूज किया सो डेट की स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसके साथ आपका CPU शेड्यूलिंग का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।